अहम खबर है, इमरान खान और दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को जवाब जमा करने के लिए आखिरी मौका दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं बोलियंस नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, बिल्कुल आज इलेक्शन कमीशन में असद उमर, इमरान खान और शहबाज चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेज में समाप्त हुई। तो आज इलेक्शन कमीशन में शहबाज चौधरी पेश हुए, जबकि असद उमर और इमरान खान की जानब से कोई भी पेश नहीं हुआ। जबकि जिस पर इलेक्शन कमीशन की जानब से आज तीनों फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया गया है और 18 अप्रैल तक इस केस की समाप्त मुलतवी कर दी गई है। समाप्त के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानब से इमरान खान के वकील से ये कहा गया कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को इज्जत दें तो हम इस केस को जल्द खत्म करना चाहते हैं। इमरान खान को कहें कि यहाँ पर पेश हो जाए, जिस पर जो है फैसल चौधरी का कहना था कि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी इस चीज को कह चुकी है कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट है, तो जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट कोई इस केस पर फैसला ना करे, इलेक्शन कमीशन इमरान खान की पेशी के फैसले को वापस ले। जिस पर अब इलेक्शन कमीशन की जानेब से 18 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत पर तमाम फरीकैन को जवाब जमा कराकर आगे बढ़ेंगे। आमदन से ज्यादा सासों का केस, स्पीकर आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत की समाअत।